हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमारा जो घर है वो छोटा पड़ रहा था, उसको हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो नीचे जो फ्लोरिंग है इसको मैंने चिली पर स्टोन ब्रिक से मैंने पूरी तरीके से कर दिया। आप जैसे कि इधर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा दोस्तों। और आप देख सकते हो इधर मैंने स्टोन ब्रिक्स का भी यूज़ किया और पूरी तरीके से इधर ब्लैंक्स से मैंने कवर कर दिया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोन ब्रिक्स अभी भी बहुत है और चिली पर स्टोन ब्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसके ऊपर और एक फ्लोर जो है बनाया जाए जो और भी काफ़ी ज़्यादा लुक जो है प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं जो ऊपर का जो ब्लैंक्स आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको भी मैं पूरी तरीके से चिली पर स्टोन से भर दूँ और ऊपर का जो और एक फ्लोर होगा उसका भी जो फ्लोरिंग होगा उसका भी मतलब सेम टू सेम चिली पर स्टोन होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप ये सीढ़ी देख रहे हो ना, ये सारे सीढ़ी मैं अभी तोड़ने वाला हूँ। अभी एक पूरी तरीके से एक स्ट्रेट वे में मतलब सीढ़ी आने वाला है। आप देख सकते हो मतलब जो गेट ओपन होगा ना आप लोगों को, मतलब इधर से सीधा मतलब सबसे पहले आप लोगों को सीढ़ी दिखाई देगा, वो सीधा मतलब ऊपर जाएगा। इधर एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो इसीलिए सारे को मैं अभी तोड़ने वाला हूँ और ऊपर का जो है ना वो पूरी तरीके से एक सीढ़ी ऊपर जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लुक आएगा। और आप इधर देख सकते हो इधर जो भी मतलब कॉबल स्टोन यूज़ किया ना दोस्तों, उसको भी मैं तोड़ने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये वाला जो चिली पिट स्टोन है इसी तरीके से मैं आएगा। जैसे कि अभी ये स्टोन देख रहे हो ना, ये कॉबल स्टोन, इसको भी मैं सारे कॉबल स्टोन जो है रिमूव कर देने वाला हूँ। उसको रिमूव कर पूरी तरीके से मतलब जो है ना चिली पिट स्टोन आ जाएगा। और बाहर भी मैंने जितना भी कॉबल स्टोन यूज़ किया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये बाहर का जितना भी कॉबल स्टोन है ना, इधर पूरी तरीके से मैं स्टोन ब्रिक्स से भर दूंगा दोस्तों। तो हमारा जो घर है पूरी तरीके से लगभग बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये सारे स्टोन ब्रिक्स को मतलब मैं मतलब जो जितना भी ये कॉबल स्टोन है ना दोस्तों, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ। इसको तोड़कर पूरी तरीके से स्टोन ब्रिक्स आ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेम टू सेम लुक हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये सीढ़ी अभी मैं तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अभी इसको पूरी तरीके से मैं तोड़ दूंगा सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो इधर जितना भी मतलब वॉल जो है ना, उसको मैंने पूरी तरीके से तोड़ दिया। जो प्लैंक से मैंने बनाया था उसको मैंने तोड़ दिया। अभी क्या ना, इस कॉपर स्टोन आप देख लोगों को दिख रहा है ना, इसको भी मैं तोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या ना अभी सीढ़ियाँ बना देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो इधर मैं पूरी तरीके से इस तरीके से कुछ सीढ़ी जो है लगाने वाला हूँ, सीधा ऊपर जाएगा दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं अभी सीढ़ी बनाने वाला हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हो अभी ये जितना भी मतलब ये जो एरिया ना, इसको अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारे जो सीढ़ी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं जितना भी इधर प्लैंक्स मैंने रखा है, मतलब जो फ्लोरिंग के लिए मैंने इधर प्लैंक्स रखा है, ये सारे को अभी मैं तोड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, नीचे मैंने चिली पर स्टोन ब्रिक्स का यूज़ किया दोस्तों, तो सेम टू सेम इधर भी मैं वही ब्रिक्स का यूज़ करने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से मैं अभी चिली पिट स्टोन ब्रिक्स से भरने वाला हूँ। तो जितना भी इधर प्लैंक्स का जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सारे एरिया को मैं चिली पिट स्टोन ब्रिक्स से भर दूंगा दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो रात भी होने वाला है दोस्तों, और मेरे पास जितना भी चिली पिट स्टोन ब्रिक्स है ना, वो सारे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास बिल्कुल भी चिली पिट स्टोन ब्रिक्स नहीं है दोस्तों, मेरे को अभी बनाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी रात हो रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं सो जाऊँगा, सुबह जो है इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो सुबह जो है हो गया दोस्तों। अभी ये सारे जितना भी प्लैंक्स हैं इस सारे को अभी मैं तोड़ दूंगा, उसके बाद में चिली पिट स्टोन ब्रिक्स जो है बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद में इसको पूरी तरीके से चिली पिट स्टोन ब्रिक्स से फिल कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया बचा है दोस्तों, बाकी जितना भी है वो सारे कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने स्लैब्स बना दिया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो चिली पिट स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्लैब्स बनाना पड़ेगा। तो जितना होता है उतना मैंने स्लैब्स जो है बना लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं काफ़ी ज़्यादा चिली पिट स्टोन ब्रिक्स मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है दोस्तों। ऊपर का जो फ्लोरिंग है ना, उसको भी मैं सेम टू सेम चिली पिट स्टोन ब्रिक्स से करने वाला हूँ, ताकि अगर मैं ऊपर और एक लेयर मतलब और एक फ्लोर अगर मैं बनाऊँगा ना तो यूज़ होगा। अगर मैं ब्लैंक से फिल कर दूंगा ना दोस्तों, तो फिर से मेरे को मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर से मेरे को सेम टू सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, अभी चिली पिट स्टोन ब्रिक्स से ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने काफ़ी ज़्यादा चिली पिट स्टोन ब्रिक्स बना लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ इधर प्लेस करना ही बाकी है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसको भी कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी पूरी तरीके से हमारा जो स्लैब है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से इधर जितना भी चिली पिट स्टोन जो लगाना है वो मैंने लगा दिया। तो दोस्तों, अभी मेरे को स्टोन ब्रिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्टोन ब्रिक्स नहीं है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चिली पिट स्टोन ब्रिक्स ही बना लिया। अभी मेरे पास स्टोन ब्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने कुछ स्टोन्स जो है मतलब फर्निश में रखा था कॉपर स्टोन को, तो काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स हो चुका है। तो अभी जितना बनता है उतना बना लेते हैं स्टोन ब्रिक्स।
तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसका जो आउटलाइन है वो सबसे पहले बना देते हैं, उसके बाद में नीचे वाले जो एरिया ना वो ब्लैंक से फिल कर दूंगा जैसे कि मैंने पिछले बार किया था। तो सेम टू सेम उसी तरीके से करने वाला हूँ। अभी ये जितना भी एरिया ना सारे को मैं अभी स्टोन ब्रिक्स से ही फिल कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसका जो आउटलाइन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी ये जितना भी आप लोगों को ये खाली एरिया दिख रहा है ना, इधर मैं ब्लैंक से फिल कर दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं कुछ इसी तरीके से जो ब्लैंक से इसको फिल करने वाला हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से जो ब्लैंक से वो फिल हो जाएंगे दोस्तों पूरी तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट कर बताओ, मतलब मेरे को जो ये वाला ये जो एरिया ना इसको मेरे को ब्लैंक से ही फिल करने से अच्छा लुक होगा या फिर कुछ और मतलब करने से अच्छा लुक होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ ना दोस्तों, इसके बाद में हम नेदर पोर्टल बनाएंगे, और नेदर पोर्टल बनाने के बाद जो नेदर का जो मतलब नेदर रैक मिलता है ना उससे हम ब्रिक्स बना सकते हैं दोस्तों। तो वो वाला ब्रिक्स भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। तो जब हम नेदर पोर्टल बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नेदर रैक लेकर आएंगे। और अभी जितना भी अभी ये प्लैंक्स का जो एरिया आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर जो नेदर वाला जो नेदर ब्रिक्स होगा ना दोस्तों उसको मैं फिल कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास प्लैंक्स का भी कम पड़ने लगा दोस्तों। अभी मेरे को लगता है मेरे को प्लैंक्स भी लेकर आना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉक को लेकर आना पड़ेगा ताकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है प्लैंक्स बना सकूँ। मतलब मेरे हिसाब से हमारे पास जितना भी प्लैंक्स है ना दोस्तों ये मतलब कम पड़ने वाले, क्योंकि पूरे का जितना भी आप लोगों को दिख रहा है ना ये सारे मेरे को अभी प्लैंक्स से ही फिल करना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके से मैं फिल करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से हमको और भी प्लैंक्स जो है लेकर आना पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो इतना इधर जितना भी एरिया में सारे प्लैंक्स से फिल कर दिया। अभी भी मेरे पास प्लैंक्स है जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये बाद में हमको यूज होने वाला क्योंकि इधर कमरा वगैरह भी हमको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ छत का ही काम बचा है दोस्तों। अभी जल्दी से जल्दी इधर भी मैं चिली पीस स्टोन ब्रिक्स से मतलब पूरी तरीके से इधर फिल करने वाला हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हो कुछ इसी तरीके से मैं अभी फिल करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से इधर जितना भी मतलब चिली पीस स्टोन जो रखना है वो पूरी तरीके से मैंने अभी रख दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ इधर लैंथनर रखना बाकी है, तो ये भी मैंने रख दिया जैसे कि अभी आप देख सकते हो। पिछले बार क्या ना इधर मैं इसको लैंप कह दिया दोस्तों, तो लैंप नहीं है लैंथनर है, तो अगर गलती हो गया तो माफ़ कर दो, तो ठीक है कोई बात नहीं है दोस्तों। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से मतलब इधर जितना भी जो चिली पीस स्टोन लगना है दोस्तों पूरी तरीके से मैंने इधर लगा दिया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो नीचे वाला जो मतलब जो चिली पीस स्टोन मैंने यूज़ किया सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने स्लैब को भी यूज़ किया। अगर हो सकता है तो मतलब ऊपर और एक फ्लोर बनाएंगे तब हमको काम आएगा, तो इसीलिए मैंने यही स्टोन को यूज़ कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो। और दोस्तों इधर जितना भी आप लोगों को ये खाली हॉल दिख रहा है ना दोस्तों, इधर मैं इसको पूरी तरीके से मतलब एक रूम के टाइप का कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। पूरी तरीके से इधर एक रूम हो जाएगा दोस्तों, मतलब एक हाउस कैसा होगा ना दोस्तों उस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और आप इस चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा। I'm gonna go cut.